हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसको एनपीई 1986 कहते हैं, तो हम आगे उसी से रिलेटेड आज टॉपिक करेंगे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो 1986 वाली जो पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसको 1992 में रिवाइज्ड किया गया था। तो रिवाइज्ड पॉलिसी के नाम से उसे जाना जाता है जो 1992 में की गई थी। जो एम्स थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में रखे गए थे, फिर उसको कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए या फिर जो चीज अप्लाई नहीं हो रही थी उसको कैसे पूर्ण रूप से अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए रिवाइज्ड एक जो पॉलिसी बनाई गई थी 1992 में, उसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिया गया था कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव या हमारा जो एम है पॉलिसी का, उसको कैसे हम सही रूप में पा सकते हैं। तो उसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का नाम उसे दिया गया था, जिसको हम POA भी लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें स्पेशली किस बात पे फोकस किया गया था जो प्रोग्राम एक्शन था, इसमें स्पेशली जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो काम किए गए थे वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू किए गए थे। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन थी उसको प्रभावशाली तथा एक हम कह सकते हैं कि सफल बनाने के लिए जो रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसने प्रोग्राम ऑफ एक्शन का प्रयोग किया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था उसकी योजना बनाई ताकि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ग्राउंड लेवल से शुरू कर सकें, ग्राउंड लेवल पर उसकी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसकी डेवलपमेंट कर सकें। इस योजना के अंतर्गत जो एम्स और जो ऑब्जेक्टिव थे उसको जो व्यवहारिक रूप था वो दिया गया था। इसके लिए जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा गया था, जिसके जो महत्वपूर्ण सुझाव थे, जो सुजेशन थी, उसमें कौन कौन सी सुजेशन थी, हम उस पर आज चर्चा करेंगे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर खास करके जब यहाँ पे मुद्दा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का था, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के डेवलप के लिए वहाँ पे कौन कौन सी जो सुजेशन थी वो दी गई थी, हम बात करेंगे सुजेशन की। सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या क्या था, सबसे पहले कहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, जो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल, जो अनौपचारिक शिक्षा के सेंटर थे, नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सेंटर। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन थी कब संभव हो सकती थी, जब उसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को मोटिवेट करें। तो वो क्या करना चाहती थी, पॉलिसी के अंदर क्या था कि जो निरौपचारिक शिक्षा है उसके लिए सेंटर खोले जाने की बात कही थी, शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जो बात कही थी। निरौपचारिक शिक्षा के केंद्रों उन असहाय बालकों के लिए खोले जाएंगे या फिर वो अनुसूचित जाति से आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं। बहुत सारे जो बच्चे ऐसे थे जो किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सकते थे, या तो फिर उनकी गरीबी थी उनका मुख्य कारण, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे काम में जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, या फिर कोई ऐसे लोग थे यहाँ पे विद्यालय उनकी पहुंच से दूर थे और जो पेरेंट्स से दूर अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन बच्चों के लिए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर थे वो खोले जाने की जो मांग थी वो रिवाइज पॉलिसी के अंतर्गत जो उन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन किया था उसमें सेंटर्स खोलने की जो बात थी उस पर जोर दिया गया, ताकि हर एक बच्चे को जो हम ग्राउंड लेवल तक जो एजुकेशन है, एटलीस्ट प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वहां पे प्रदान की जा सके। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, जो भी संस्थाएं या फिर जो भी सेंटर खोले जाने थे उसके लिए कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन था उसकी बात कही गई थी। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी कैसे कर सकती थी, समुदाय था जो वो कैसे अपना जो कंट्रीब्यूट
था वो उसमें दे सकता था, इसमें वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे, वो जो नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन बच्चों को प्रदान करनी थी उनमें एक एज अ टीचर का काम भी कर सकते थे, उनका जो निरीक्षण है सेंटर्स का वो भी कर सकते थे, वो कई तरह से जो हेल्प है कम्युनिटी द्वारा की जा सकती थी वो फाइनेंशियली लगा लो, चाहे वो उसकी ऑब्जर्वेशन करके लगा लो सेंटर्स की, चाहे एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क करके वहाँ पे जो लोकल लोग थे जो समुदाय के लोग थे वो वहाँ पे हेल्प कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ वीमेन इंस्ट्रक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ या फिर सिलेक्शन ऑफ वीमेन टीचर्स या फिर इंस्ट्रक्टर्स। देखो बहुत सारे जो पेरेंट्स थे वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने से कतराते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो है वो फीमेल टीचर होनी चाहिए, वो एक स्त्री होनी चाहिए। तो इसलिए वहां पे जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में प्लान किया गया, जो योजना बनाई गई उसमें फोकस किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो वीमेन इंस्ट्रक्टर है उनको नियुक्त किया जाए, उनको अपॉइंट किया जाए, ताकि जो देहात में रहते हैं लोग, जो रूरल एरिया के लोग हैं और खास करके जो गरीब लोग हैं, तो वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन के बिना ना रखें, वो अपनी बच्चियों को भी एजुकेशन दिलाएं, अपने छोटे बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। तो इसके लिए यहाँ पे जो वीमेन इंस्ट्रक्टर थी, वुमेन इंस्ट्रक्टर का जो अपॉइंटमेंट करना था उस चीज पे खास ध्यान दिया गया, या फिर उस चीज के जो सुझाव थे वो खास तौर पर दिए गए। आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, जो टीचर्स थे जो इंस्ट्रक्टर थे उनकी ट्रेनिंग के लिए भी वहां पे बात की गई कि जितना हम अच्छे से जो टीचर्स हैं या फिर इंस्ट्रक्टर हैं उनको ट्रेन करेंगे, उनको एक ट्रेनिंग देंगे अच्छी क्वालिटी की, तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की वो जो एजुकेशन है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमें क्वालिटी जो क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को प्रदान करने के लिए जो ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर है उसकी भी जो एक क्वालिटी की एक उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें क्वालिटी का जो टीचर है वो बनने के लिए मोटिवेट किया जाए और उसकी जो हेल्प है वो की जाए। आगे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो संस्थाएं हैं इंस्ट्रक्शन की संस्थाएं हैं वो वहां पे खोली जाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, इंस्टीट्यूशंस वहां पे बनाए जाए, ताकि हम जो अपने टीचर्स हैं या फिर जो इंस्ट्रक्टर हैं हम उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। इसके लिए हम जैसे डाइट हो गया, NCERT हो गया, या फिर NIEPA हो गया, तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन है वो वहां से हम खोल सकते हैं, ताकि हम अपने टीचर्स को, अपने इंस्ट्रक्टर को जो बेटर ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड NCERT, हम NCERT के थ्रू जो उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं टीचर्स को, डाइट में उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या फिर नीपिया में हम जो उसकी ट्रेनिंग है वो टीचर्स की करवा सकते हैं, ताकि हम बेस्ट टीचर्स अपने स्कूलों में अपॉइंट कर सके और जो क्वालिटी की एजुकेशन है वो बच्चों को प्रदान कर सके। आगे हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज की मतलब समायोजन करना, किसी चीज के साथ सहसंबंध बनाना। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की संस्थाएं थी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो सेंटर्स खोले गए थे, तो उनका जो लिंक किया जाना था वो किसी ओपन स्कूल के साथ, या फिर ओपन जो कॉलेजेस होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसके साथ उन सेंटरों का हम कह सकते हैं कि उनको लिंक किया जाना अति आवश्यक था। क्योंकि अगर हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो नॉन फॉर्मल में जो किसी भी व्यक्ति की जो एज है, तो उस एज के हिसाब से वो विद्यार्थी एज में काफी बड़ा भी हो सकता है, जो मतलब
फॉरेनर एडमिशन लेकर नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री वगैरह कर सकता है। इसलिए हमें जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर्स खोलने हैं, तो उसकी जो लिंकेज है, उसका जो लिंक है, वो हमें जो मुक्त विद्यालय होते हैं, जो ओपन स्कूल होते हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके साथ उसका संबंध है, वो बनाया जाना जरूरी थे। आगे हम बात करेंगे फॉलो अप प्रोग्राम की, फॉलो अप प्रोग्राम। फॉलो अप प्रोग्राम्स में क्या हो सकता है? फॉलो अप प्रोग्राम में जो एक कार्यक्रम, अनुवर्ती शिक्षा का जो कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं कि 9 से जो 14 वर्ष के आयु वाले विद्यार्थी हैं, उस समूह से जो आरंभ किया जाएगा, जो कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, साक्षरता के उपरांत ऐसे विद्यार्थियों को अनुवर्त शिक्षा के अंतर्गत आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें संपूर्ण जो साक्षरता अभियान है वो चलाया जाएगा। हम वो बच्चे ढूंढ सकते हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, तो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पहले हम विदाउट स्कूल, मतलब कि वो जो सेंटर्स खोले गए हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, उन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स के थ्रू हम उनको पढ़ाई करा सकते हैं 14 साल तक के बच्चों की, और उसके उपरांत उसको जो अगली शिक्षा के लिए हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं या फिर उनका जो एडमिशन आगे करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंकरेजमेंट ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, जो इसका हमारा 8th पॉइंट है, तो हम 8th पॉइंट में करेंगे एनकरेजमेंट ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज, मतलब कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम एनजीओ भी कह सकते हैं, जिसमें लोग अपनी समय की जो संस्था है, अपने इच्छा के अनुसार वो अपने पैसे खर्च करके वो दूसरों की जो हेल्प वो करते हैं। सेम ये सिस्टम एजुकेशन, नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन में ही कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, या फिर कई लोग जो ऐसे जिन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी होती है, तो वो अपनी संस्था वो अपने खुद के खर्चे पर चलाते हैं, तो वो काफी हेल्प कर सकते हैं, उन सेंटर्स की हेल्प भी कर सकते हैं, और वो पर्सनली लोगों की जो एजुकेशन प्राप्त करने में भी हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ जो सर्विस है वो उनको दे सकते हैं अपनी सर्विस एजुकेशन के रिगार्डिंग। ये जो निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम इस चीज का जो कार्यक्रम है वो जितना हम कह सकते हैं कि जल्दी लागू होगा, उतनी ही जल्दी जो समाज का कमजोर वर्ग है, खास करके हम बात करेंगे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर वीमेन्स, काफी लोग आज के टाइम में भी अपनी लड़कियों को जो एजुकेशन है वो नहीं दिलवाते, वो उन्हें घर के काम तक ही रखते हैं। तो जो वॉलंटरी एजेंसीज या फिर एनजीओज होते हैं, तो वो इस मामले में काफी हेल्प हमारी कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बनाया गया था, तो उसमें जो एनजीओज थे या फिर वॉलंटरी एजेंसीज थी, उनपे खास तौर पे ये बात कही गई थी कि उन जो संस्थाओं हैं उनको हेल्प करनी चाहिए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रदान करने में। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत उन 9 में से 14 वर्ष के बच्चों के लाभार्थी योजना बनाएगी, या तो वो किसी कारणों से स्कूल में एडमिशन ही ना ले पाए, या फिर किसी कारणवश उनकी जो स्टडी है वो बीच में ही छूट गई। जो सर्व शिक्षा अभियान एक चला था, उसमें भी यही था कि आप ऐसे बच्चों को ढूंढें जो या तो स्कूल से ड्रॉप आउट है या फिर वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया। तो ऐसी संस्थाएं, कुछ तो ऐसी संस्थाएं थी जिनको हम वॉलंटरी एजेंसीज कह सकते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प की गई थी। तो आगे उन्होंने अपने जो ट्यूशन टीचर थे वो रखे थे, तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उनको बोला गया था कि आप अपने अपने एरिया में ऐसे बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो करें, और अपने जो सेंटर्स बनाओ या फिर अपने घर से ही या फिर किसी अपने गांव में किसी भी जगह पर उन बच्चों को इकट्ठे करके वहां पे उन बच्चों को पढ़ाओ। जो हम जो एजुकेशन फॉर्मल वे से नहीं ले पा रहे, हम उसको जो नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल वे से हम उनको जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकें।
तो जो सातवीं पांच वर्षीय योजना थी उसमें जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन था उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें यूनिवर्सलाइजेशन की बात कही। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी थी कि उसमें हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन देखना है, वो खास करके हमें प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकीकरण करना है। उसमें क्या किया गया था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे थे उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाने की जो बात है वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कही गई थी। इसमें इस दौरान लगभग उन 64 लाख व्यक्तियों को जो शिक्षा के इच्छुक हैं या तो वो इस योग्य नहीं थे कि इनको कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षित किया जाए, या फिर ये था कि वो किसी कारणवश खुद भी जो एजुकेशन है वो नहीं ले पा रहे थे, तो उसको अनौपचारिक जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन था उसके दोबारा जो उन्हें शिक्षित करने का जो जिम्मा था वो उठाया गया था। तो इसे अनौपचारिक शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारी जो वहां पे काम किए गए थे, बहुत सारा जो एजुकेशन विभाग की तरफ से भी काम किया गया था। हम उसमें कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से जो पॉइंट्स है। सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल हर एक बच्चे तक पहुंचाने की जो बात की गई थी, और जो सप्लीमेंट्री एजुकेशन स्टडी मटेरियल था उसको विकसित किया गया, हर एक बच्चे तक वो जो पूरक जो पाठ्य सामग्री थी वो पहुंचाए जाने का वो काम है वो किया गया। आगे उपयुक्त जो पाठ्य सामग्री थी वो बच्चों को प्रोवाइड की गई, उनकी क्लास के हिसाब से जो उनका सिलेबस था जो उसके लिए उपयुक्त मटेरियल था वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया गया। फिर आगे औपचारिक वो जो निरौपचारिक शिक्षा थी, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो पद्धति थी उसमें तालमेल बनाया गया और उसमें एक मजबूत जो संबंध था वो स्थापित किया गया, ताकि हम फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को देते हैं तो उसके साथ साथ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो बच्चे भी जो नॉन फॉर्मल एजेंसीज हैं या फिर जो सेंटर्स खोले गए हैं उनके थ्रू जो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो नियमित विद्यालयों नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स और जो अडल्ट एजुकेशन के सेंटर्स थे उनको केंद्रों की जो स्थापना की गई, सेंटर्स की स्थापना की गई और उनकी जो नीड थी सेंटर्स की वो सारा मटेरियल था वो उन्हें उपलब्ध करवाया गया। आगे हम बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग की, तो समय समय पर जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी वो भी करवाएगी, क्योंकि अगर एक बच्चा कोई फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है और एक बच्चा नॉन फॉर्मल वे में जो एजुकेशन ले रहा है तो उसका एजुकेशन लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेना चाहता या किसी कारणवश नहीं ले पा रहा तो उसका जिम्मा उठाया था कि उसको नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन सेंटर्स है उनके थ्रू एजुकेशन दी जाए। तो उनके लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग थी उसका भी प्रबंध किया गया, टीचर्स को जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड की गई जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अपना योगदान देना चाहते थे। आगे हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। नॉन फॉर्मल जो कार्यक्रम थे, जो निरौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम थे उसका विकास संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़े गए, जो डेवलपमेंट संबंधी जो कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे उन प्रोग्रामों के साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी जोड़ा गया, उसकी भी ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट करने की बात है कही गई। तो ये तो था जो सातवीं पांच वर्षीय योजना बनी थी। आगे हम बात करते हैं जो आठवीं पांच वर्षीय योजना बनी थी उसमें क्या क्या कहा गया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेकर। उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स की बात की थी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया था कि जो सेंटर्स बनेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसका एक एरिया था वो तय किया गया था, एक लिमिट में जो एक एरिया था उसकी बात कही गई थी। जो सेंटर एस्टेब्लिश करने थे उसमें कहा गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो बच्चों के लिए प्राइमरी विद्यालय होना चाहिए या फिर ये नॉन जो फॉर्मल एजुकेशन सेंटर है वो बच्चों को जो प्रोवाइड है वो किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे को स्कूल आने जाने में या फिर जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर है वहां पे आने जाने में कोई कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चा आसानी से विद्यालय में जा सके या फिर वो सेंटर में अपनी स्टडी के लिए जा सके। आगे हम बात करते हैं पार्ट टाइम की, पार्ट टाइम प्राइमरी स्कूल। देखो जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे उसका भी उसके पीछे कोई रीजन था, कई बच्चे थे मतलब उनकी जो फैमिली थी वो पुअर फैमिली थी और वो अपनी रोजी रोटी के लिए
काम उनके लिए जरूरी था, तो बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए जाते थे साथ में, तो वो इसलिए विद्यालय नहीं जा पाते थे, वो अपने एजुकेशन लेने नहीं जा पाते थे। तो उसके लिए क्या था, उनके लिए प्राइमरी जो स्कूलिंग थी उसकी, उसको ना पार्ट टाइम कर दिया गया था कि बच्चे हैं वो पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, वो पूरा दिन उनके लिए स्कूल में रहने की कोई कंपल्शन नहीं थी। तो इस कमेटी ने सरकार का ध्यान उन विद्यार्थियों की तरफ दिलाया जो या तो दूरदराज इलाके में रहते थे या फिर पहाड़ी इलाके में रहते थे, यहाँ पे कोई शिक्षा का जो प्रावधान है वो नहीं पहुंच पा रहा था उनके तरफ। बहुत सारे बच्चे थे वो अपनी मजबूरी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रहते ही स्कूल से बहुत दूर थे, वहां पे संख्या उनकी इतनी कम थी कि उनके लिए जो स्कूल है वो नहीं बनवाया जा सकता था। तो ऐसे एरियाज में जो बच्चे हैं तो उनके लिए जो पार्ट टाइम एजुकेशन की बात कही गई थी, इस संबंध में जो एनजीओस थे, जो वॉलेंट्री एजेंसीज थे, उनके उनसे बात करके उनको जो पार्ट टाइम एजुकेशन थी वो प्रदान करने की जो बात है वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में खास तौर पे ये मुद्दा उठाया गया था। इन विद्यालयों में शिक्षण समय बच्चों के सुविधाओं के अनुसार निर्धारित किया गया कि कब बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन वहां पे ले सकते हैं, कब बच्चे जो एजुकेशन लेने के लिए अपने घर से फ्री है वो हो सकते हैं। इसका मेन मोटिव यही था कि हम हर एक बच्चे तक जो एजुकेशन है, एक जो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन है वो प्रदान कर सकें। आगे हम बात करते हैं इवनिंग स्कूल की। आठवीं पांच वर्षीय योजना में जो आगे बात की गई थी वो थी इवनिंग स्कूल की। इवनिंग स्कूल भी इसलिए बनाए गए थे ताकि दिन में बच्चा अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके काम में, और इवनिंग में वो अपनी जो क्लासेस है वो लगा सके, अपनी एजुकेशन ले सके। इवनिंग क्लासेस खास करके उन बच्चों के लिए थी या तो जो अपने पेरेंट्स के साथ काम पे जाते थे, या फिर कुछ खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात आती कि वो अपने माता पिता के काम पर जाने के बाद जो घर संभालती थी, या फिर वो अपने छोटे भाई बहन को संभालती थी, इसलिए उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी वश वो स्कूल नहीं आ सकते, तो उसके लिए जो इवनिंग स्कूल थे उसकी व्यवस्था उन बच्चों के लिए की गई ताकि उन बच्चों का जो पढ़ाई करने का सपना है तो वो पूरा कर सकें। आगे हम बात करते हैं ओपन स्कूल्स की, जो मुक्त विद्यालय होते हैं। तो ओपन स्कूल भी उन बच्चों के लिए थे जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर वो नॉर्मल, अगर बात करें हम नॉर्मल स्टडी की, नॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए, फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं हम, फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए, तो विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, एक मतलब स्कूल जाने के लिए टाइम होना चाहिए, उसे वहां स्कूल में रुकना पड़ता है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, हर चीज जो प्री प्लानिंग होती है, बच्चे का एडमिशन है, बच्चे ने कितने दिन स्कूल जाना है, कितना सिलेबस करना है, उन्हें सिलेबस भी डिवाइड किया होता है कि फर्स्ट टर्म में कितना करना है, सेकंड में कितना। लेकिन जो ओपन स्कूल होते थे उसमें बच्चे को स्कूल जाने की कंपल्शन नहीं होती थी, ना ही उसमें ये कंपल्शन होती थी कि आपने जो सिलेबस डिवाइड किया गया कौन सा पार्ट कितने दिन में करना है। ओपन स्कूल का ये फायदा होता था कि बच्चा ओपन स्कूल में अपना एडमिशन करवा कर फिर सीधा वो अपने फाइनल एग्जाम है वो दे सकता था, क्योंकि वो पूरा साल उसे जो काम करना था, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी थी या फिर खुद की उसे अपनी फाइनेंशियल तौर पे हेल्प करनी थी स्टडी के लिए, तो वो अपनी नीड्स थी जो वो फुलफिल कर सकता था, और अपना काम करते साथ में अपना टाइम निकाल कर वो पढ़ भी सकता था जो उसने, जिस क्लास के उसने पेपर देने थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ओपन स्कूल्स थे तो वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते थे जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना टाइम नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसके पास जो फैसिलिटी है उसकी कमी है, या उसको आने जाने में दिक्कत है, तो इसलिए ऐसे विद्यार्थी है वो ओपन स्कूल से पढ़ सकते थे। इसलिए जो रिवाइज किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को, तो उसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे खासा जोर दिया गया था कि वहां पे जो ओपन स्कूल है उसकी व्यवस्था और ओपन यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है वो जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना एजुकेशन लेने का जो सपना है वो पूरा कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992,
जैसे हमने पहले बताया जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992, ये किस में आता है? ये रिवाइज पॉलिसी है, जो 1986 वाली पॉलिसी नेशनल एजुकेशन, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बनाई थी उसको रिवाइज किया गया था 1992 में। 1992 में जो रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसमें प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन की जो योजना थी वो तैयार की गई थी, ताकि जो बेटर एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक प्रोवाइड की जाए हर एक बच्चे को। और उसका जो मेन मोटिव था वो सारा फोकस किया उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में, कि जब कोई विद्यार्थी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहा तो हम उसको जो एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल वे में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसको विन स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम उसको करवा सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।